स्थापना दिवस पर सभी को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत इस सभा में आए हुए सभी खाप के प्रधानों को नमन है, सभी कन्नी प्रधानों को नमन है जो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, इस कार्यक्रम में आई हुई मात्र शक्ति को नमन है जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के यहाँ पे आए हुए हैं, और हमारी बिरादरी के हीरो राजा नाहर सिंह के पुत्र लेकिन इतिहासकारों द्वारा ठीक से लिखा नहीं गया, इसलिए हमारे जो बच्चे हैं अपने इतिहास को नहीं जान पाते, उसके लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं ताकि हमें अपने महापुरुषों का पता लगे, अपने गौरवशाली इतिहास का पता लगे। तो जैसे हमारे महापुरुष में है महाराजा सूरजमल जी, वीर गोकुला, राजा राम जी, ऐसे बहुत हैं तो उनके आजकल तो गूगल है, उस पर हमें सर्च करना चाहिए उनके बारे में सर। छोटू राम वर्तमान में चौधरी चरण सिंह बाबा जी के बहुत बड़ी श्रृंखला है, लेकिन हमारे युवाओं को बताने के लिए हम बुजुर्गों को जगाना पड़ेगा तभी हमारी युवा पीढ़ी जुड़ी रहेगी। देखो एक समस्या हो रहा है आज हमारी कौम में, अपने किले बेचने की लाइन लगी हुई है, भैया किले बेच लो अगर अच्छे बिक रहे हैं लेकिन उसके टुकड़े खरीद भी लो, क्योंकि हमारे जो जमींदार है वो खेती बाड़ी से है, हमारी कोई नहीं बोलेगा। दिल्ली के अंदर जितने औकात है टेम्पू वाले की, इतनी हवेली वाले की, जितने पान वाले की, इतने गोची वाले की, कोई किसी को नहीं मानता। गाँव में छोड़कर हमारी तभी है, हमारे पास जमीन है, जजाज है, तो हम जमीन ना करके अपने को बचा के रखे। और देखो शिक्षा का महत्व है आज के टाइम पे, बिजनेस का, जब खेती को उत्तम बनाया गया तो हमारे बुजुर्गों ने इस बंजर जमीन का सीना छीन करके बहुत अच्छी तरह से खेती करी गई। जब आया वर्तमान युग में के नौकरी पेशा बहुत अच्छा, तो हमारे कौम के लोगों ने ऊंचे ऊंचे पद पर जाकर के बहुत अच्छी अच्छी नौकरी में गए, बहुत अच्छे अच्छे पद किए, लेकिन आज का जो समय है वर्तमान का वो है बिजनेस का। अब हमारे बच्चे को बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आप देख लो बिजनेस में ज्यादा कोई सफल नहीं है, अधिक से अधिक व्यापार करें, संपन्न बने, क्योंकि समाज में प्रतिष्ठा उसी की जाँच होती है जिसके पास धन होता है, क्योंकि धन के सामने बुद्धिमान तो अपने आप ही स्पष्ट रहता है। तो मेरी सभी से निवेदन है बच्चों को शिक्षित करें और बिजनेसमैन जरूर बनाए, खेती से जुड़े रहें। सभी यहाँ पर है, सभी का बहुत